kind of Max, but a better version of Max. Welcome back to my channel. First of all, what I would want to say, पहले सबसे पहले I am very proud of my setup. Usually मुझे घर में इतनी जगह नहीं मिलती है जहाँ पर I can shoot with a background. This background I'm going to use बहुत ज़्यादा बार excited थी इसलिए मैंने ये बोल दिया. Time नहीं waste करके हम जाते हैं video की तरफ, which is going to be studio tour kind of a video, like fresh collection जो अभी आया है studio में, winter collection, Christmas kind of collection. Christmas collection तो इतना कुछ खास नहीं था, एक दो चीज़ें थी जो आप Christmas के regarding ले सकते हैं, but then winter collection काफ़ी अच्छा था I would say. पहली बात, I went to the store. मैं बहुत randomly ऐसे ही गई थी just to check out what is there या क्या नया आया है, whatever it is. Studio is usually, I am not doing this as a sponsored video. I wish it was. For the people who do not know what Zudio is, it is a clothing store. आपने title से तो वैसे पढ़ी लिया होगा and बहुत लोगों को पता भी होगा. When this came in, मुझे इतना idea नहीं था अंदर क्या अच्छा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. This is kind of Max, but a better version of Max. तो रेंज, प्राइस रेंज उसके जितना ही आजू बाजू होता है मैक्स के जितना, मैक्स से ट्रेंडी कपड़े एंड अच्छे कपड़े यहाँ पर होते हैं. आई विल नॉट से क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी इज लाइक हम जैसे फास्ट फैशन चल रहा है, तो फास्ट फैशन में क्या हो रहा है, कपड़े ले रहे हो और तुम डंप कर रहे हो. यू डू नॉट वेयर इट एज यूजुअल एज यू वुड वेयर समथिंग लाइक पहले जो पहना करते थे. हर दिन एक नया ट्रेंड आ रहा है तो यू वुड वॉन्ट टू हैव समथिंग एल्स. अरे आज वाइड लेग चल रहा है, मुझे वाइड लेग चाहिए. कल बेल बॉटम चल रहा है, मुझे बेल बॉटम चाहिए. मुझे बूट कट चाहिए तो क्रॉप टॉप चाहिए, बैकलेस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. अभी जेंजी जो मैं हूँ, बट मैं नहीं हूँ बट मैं हूँ, तो जो 2000s का फैशन जो चल रहा था, Y2K फैशन चल रहा था, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर इन ट्रेंड. तो Zudio के पास में मोस्टली कभी कभार यू गेट दैट ऑल्सो इन योर बजट. इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन टू सफाइस योर नीड्स, टू सफाइस योर फैशन ट्रेंड्स जो भी अभी चल रहा है. वुड गेट प्रिटी ड्रेसेस एंड कुर्तीज एंड ऑल भी काफ़ी काफ़ी अच्छे होते हैं Zudio. आई एम श्योर यू ऑल आर नॉट वॉचिंग Zudio वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम. पीपल हु डू नॉट नो हाउ Zudio लुक्स लाइक और वॉट यू गेट इन Zudio एंड हाउ मच द प्राइजिंग इज, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी काम आएगा. करंट कलेक्शन इन Zudio वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में. मैं एक और चीज़ बताती हूँ, मैं बस रैंडमली स्टोर में चली गई थी. आई वॉज इन सपोज टू डू दिस वीडियो, बट मुझे कलेक्शन थोड़ा अच्छा लगा. आई थॉट आई शुड शेयर विद यू ऑल, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो. मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहाँ चली गई थी एंड मैं ठीक ठाक ड्रेस्ड भी नहीं थी, सो आई वॉन्टेड टू ड्रेस अप. सो ये मैं उसी दिन पर, मतलब आज ही मैं गई एंड मैं अभी शूट कर रही हूँ. लेट्स गेट ऑन टू इट. दिस वॉज द खारगर स्टोर. एक्चुअली आप जहाँ भी देखो, बेलापुर में देखो, नवी मुंबई में कहीं पर भी देखो, एंड आई हैव नो आइडिया अगर बॉम्बे में भी एज इन मुंबई साइड में भी खुला है कि नहीं, खुले ही होंगे, बट बहुत जगह, काफ़ी जगह है Zudio आजकल. यू गेट द चीपेस्ट क्लोथ्स, आई मीन लाइक बहुत सारे लोग ये चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं एंड फैशनेबल ऑल्सो एट दिस पॉइंट. इवन अगर मैक से कंपेयर करने जाएंगे तो यहाँ पर बहुत यूजफुल, बहुत डे टू डे पहनने वाली चीज़ें, गुड एंड एप्ट फॉर वर्किंग पीपल ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर इन कॉलेज. मतलब बहुत ज़्यादा वेयरबल्स, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, बहुत ज़्यादा यू नो कैजुअल कपड़े यहाँ पर मिलते हैं. स्वेटर्स और जो श्रग्स होते हैं और जो फरी फरी काइंड ऑफ स्वेटर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे थे Zudio में एंड आई थिंक वो ड्यूरेबल भी होंगे इफ़ यू वेयर इट. विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ पे आया हुआ था. दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्वेटर ड्रेस एंड बहुत प्यारा सा इसका ए लाइन कट था नीचे से, स्केटर स्कर्ट काइंड ऑफ अ कट था नीचे से एंड फरी चीज़ें हैं यहाँ पर. यहाँ पर आपको एज इन विंटर में जितना फैशनेबल आप हो पाओगे ना, यहाँ पर से आप, मैं क्या बोल रही हूँ, विल कैरी ऑन. यहाँ पर बहुत सारे, एक्चुअल में बहुत सारे विंटर वेयर थे. ट्रेंडीएस्ट कलर्स थे, ऑलिव्स थे, पेस्टल्स थे एंड ऑल ऑफ द ब्लशी पिंक्स एंड यू नो ट्रेंडीएस्ट कलर्स. एट द टाइम्स ऑफ विंटर्स अभी लोग मनाली भाग जाते हैं, लोग माथेरन भाग जाते हैं, ऐसे सब जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ के लिए बहुत एप्ट कपड़े थे यहाँ पर. तो इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप समवेयर लाइक दैट, तो यू ऑल कैन परचेज थिंग्स फ्रॉम योर.
These were velvet sets. You all can wear it at home or you all can jog in these, yoga in these. Another Y2K kind of a fit. You'd get plain t-shirts and then you'd get leggings, palazzos and you know things that you can mix and match things with. Kitna things bol rahi hu yaar. Also daily wear t-shirts that you get for $1.99 only. For the people who are watching out for kurtis, daily wear kurtis, wo bhi kafi acche the. And traditional wear maine itna cover nahi kiya yahan pe. I thought ki uska ek separate video kabhi bana denge when I go there again. काफ़ी निट्टी फैब्रिक्स थे सारे के सारे. ये थोड़ा क्रिसमसी फील था. अगर मैं तभी डाल देती तो मे बी ऑल कुड हैव ग्रैब्ड इट. एंड यहाँ पे सेट्स काफ़ी ज़्यादा थे. तो इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर कोऑर्डिनेट सेट्स फॉर लाइक अ पजामा पार्टी और जस्ट बीइंग एट होम, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे. ट्रेंडी स्लीपर्स, ट्रेंडी म्यूल्स, व्हाटएवर यू कॉल देम. एंड ये तो थोड़ा वर्क वेयर काइंड ऑफ स्टफ था, बीच वेयर काइंड ऑफ थिंग्स है. एक्चुअली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ टूर और समथिंग, यहाँ से आप चीज़ें लेके जा सकते हैं. जो नेल पेंट्स थे वहाँ पर, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि वहाँ पर एक मेकअप कलेक्शन भी उनका था. जूडियो ने लॉन्च कब किया मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का. इट वॉज गुड. मैंने लिपस्टिक एक ट्राई किया एंड देन मैंने नेल पेंट्स देखे. मैंने नेल पेंट्स भी ट्राई किए. दीज आर द कलर्स, अभी बराबर से दिख नहीं रहा होगा बट इट वॉज अमेजिंग. द क्वालिटी, द टेक्स्चर ऑफ द नेल पेंट्स वॉज अमेजिंग. 69 rupees एंड इट वॉज वर्थ इट. अभी ये जो ब्रांडेड नेल पेंट्स होते हैं जिनका टेक्स्चर भी इसके सिमिलर ही होता है, एक्चुअली ऐसा ही होता है, दे सेल इट फॉर 200, 250, 150, उसके नीचे तो नहीं होता. तो दिस वन वॉज अफोर्डेबल एट दिस प्राइस. टू माई सरप्राइज ये था वहाँ का मेकअप कलेक्शन. जो फुटवेयर एरिया था उसके आगे जाके ही आई वॉज लाइक वॉट, मैं कहाँ पे पहुँच गई हूँ. जूडियो ने ये कब लॉन्च किया मुझे नहीं पता था ये कब लॉन्च हुआ है, बट यहाँ के नेल पेंट्स तो जो थे वो काफ़ी अच्छे थे एंड आई स्टिल एम वॉन्टिंग टू बाई वन. मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं है बट काफ़ी अच्छे थे. मैंने तो अपने नेल्स वहाँ पे पेंट कर लिए थे दो तीन एंड घर पे आके और दो कर लिए, सो आई हैड लाइक अ न्यू मेकओवर. बच्चों का कलेक्शन आई वॉजंट सपोज टू शूट बट इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे टाइनी कपड़े थे कि आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ कि मैं इनको ना शेयर करूँ. सो द पीपल हु आर मॉम टू बी और हु आर ऑलरेडी मॉम्स और हु आर डैड्स एंड या किसी को किसी के लिए गिफ्ट करने के लिए कुछ कपड़े चाहिए बच्चों के लिए, तो जूडियो इज़ एन अमेजिंग स्टोर कि तुमको इन बजट ट्रेंडी अच्छे सूदिंग कपड़े मिल जाए फॉर योर बेबीज एंड फॉर बेबीज ऑफ अदर्स. ड्रेसेस थे, टी शर्ट्स थे, डायनासोर बने हुए क्यूट प्रिंट्स थे, शार्क बने हुए प्रिंट्स थे. सो आई लव दैट ऑल्सो. दीज़ आर ऑल बेबी क्लोथ्स. मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैंने वहाँ पर जो देखा था वो कितना छोटू छोटू, कितना प्यारा प्यारा था. यहाँ पर स्क्रीन पर इतना छोटू नहीं लगेगा जितना आपको सामने से वो आपके एक हाथ में वो कपड़ा फिट हो जाएगा जब आपको फील होगा. आई लव बेबी क्लोथ्स. वी सी कॉलेज गोइंग गर्ल्स वेयरिंग समथिंग लाइक दीज एंड ये जब मिनी वर्जन में आ जाता है तो कितना प्यारा लगता है. आई मीन अगर ये लोग लॉन्च करे समथिंग दैट यू कैन वेयर, मतलब द मॉम एंड द बेबी कैन वेयर द सेम थिंग, कितना प्यारा होगा वो चीज़. ये डायनासोर्स वाले प्रिंट्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे. दिस इज़ अ जम्पर एंड दी ऊपर वाला थिंग इज़ लाइक अ टी शर्ट. बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे प्यारे डायनासोर्स थे एंड ऑफ कोर्स अ बच्चा था इट देयर. I tried the t-shirt from 13 to 14 years का age group and मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ, मैंने पहली बार नहीं किया है क्योंकि ये मुझे फिट हो जाते हैं, अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं. Coming to the men's collection, it wasn't as great. I mean लड़कों के लिए जो कपड़े मिलते हैं वो हर जगह अच्छे नहीं मिलते, that I have noticed, observed, आपने किया होगा. And यहाँ पर भी इतना कुछ खास नहीं था. मैं बस एक आध चीज़ें पिकआउट कर पा रही थी जो उन पर अच्छा लगेगा या समथिंग. इनका क्वालिटीज भी अच्छा नहीं होता. दीज गाइज परचेज वन शर्ट एंड देन दे कीप ऑन वेयरिंग इट. सो उसके लिए ये नहीं है, नॉट एवरी गाय बट या मोस्ट ऑफ देम मे बी आई थिंक सो.
तो उनके लिए ये सब सही नहीं है क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स। देख लो एक्चुअली दिखने में भी इतना खास नहीं है जितना आपको फैब्रिक्स में भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज द गाइज दे वेयर वन टी शर्ट फॉर लाइक 10 डेज, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ शायद, तो या उसके लिए इतना खास है नहीं, बट फॉर द पीपल वो कीप ऑन चेंजिंग कपड़े लाइक फ्रीक्वेंटली, तो उनके लिए आई थिंक इट्स फाइन बिकॉज इट्स राइटली प्राइज्ड ऑल्सो। तो यू ऑल कैन ट्राई ऑफकोर्स कि निट वाले फैब्रिक्स में जो चीज़ें थे वो अच्छे थे एंड बाकी कुछ इतना खास कलेक्शन मुझे लगा नहीं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। ऐसी रैंडम वीडियोज तो मैं कर ही सकती हूँ, मैं आज रियलाइज किया है मैंने कि अगर मेरा हेक्टिक शेड्यूल भी है तो इतना सा अगर मैं कर लूँ तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए कितना अच्छा होगा। मैं ये क्यों नहीं कर रही हूँ, एंड आई रियलाइज मैंने मेकअप भी नहीं किया, मैंने बस एक लिपस्टिक लगा ली एंड आई एम गुड टू गो। आई ट्राई टू बी द मोस्ट माई सेल्फ वेन एवर यू सी मी व्लॉगिंग, आई एम मोस्टली इन अ गुड मूड एंड दैट इज वाई आई एम व्लॉगिंग। आई वुड नेवर फोर्स माई सेल्फ इन टू व्लॉगिंग कि आज करना ही है यार। अगर मेरा मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे थे मेरी लाइफ में, बहुत प्रीशियस मोमेंट्स थे, उनको मैंने व्लॉग नहीं किया है बिकॉज इट वॉज दैट प्रीशियस टू मी कि मैं उसका एक भी सेकेंड ये नहीं कर पा रही थी, छोड़ नहीं पा रही थी। तो वेन एम वॉचिंग थ्रू द कैमरा आई कैन एक्चुअली नॉट फील इट एट दैट मोमेंट एंड आई वॉन्टेड टू फील थिंग्स एट दोज मोमेंट्स। देर आर अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स जिसपे मैं नहीं जाऊँगी, या मे बी इन द फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें और आती रहेंगी तो आई माइट यू नो स्टार्ट व्लॉगिंग दैट ऑल्सो। बट अभी के लिए मैं बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ या रैंडम फन वीडियोज़ या ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी रैंडम वीडियो, वॉजन प्लान, आई थिंक आई शुड स्टार्ट प्लानिंग वीडियोज़। लंबा हो गया होगा, मैंने चिट चैट बहुत ज़्यादा किया है एंड आई डोंट थिंक मैं कट करूँगी। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा होगा तो यू वुड हैव जस्ट फॉरवर्डेड द वीडियो, एंड आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो आपने अभी तक देखा होगा। एडिट करते टाइम ना जब मैं ये बातें करती हूँ ना तब मैं समझती हूँ कि यार मैं क्यों इतना बोल देती हूँ। एडिटिंग में बहुत इशू होता है कि क्या कट करना है, क्या रखना है, तूने क्या बकवास कर दी है। या ओके, आई एम जस्ट इन अ वेरी गुड मूड एंड आई एम हैप्पी दैट आई शॉट दिस वीडियो एंड आई एम हैप्पी दैट यू कुड सी कि क्या नया कलेक्शन है विदाउट गोइंग टू द स्टोर। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस आई थिंक यू आर गोना रन टू द स्टोर बिकॉज अच्छा कलेक्शन आया है। मैं भी इस बार लेने वाली थी कुछ बट मैंने लिया नहीं। मैं एक नेल पेंट लेने वाली थी विच इज़ दिस ब्लू कलर का नेल पेंट, बट वो बहुत बिलिंग के टाइम पे टाइम लगा रहा था ना। आई वॉज लाइक एक नेल पेंट के लिए मुझे अभी इतना देर नहीं रुकना है, इट वॉज़ ऑलरेडी लेट। पर जाकर कभी कभार कभी ना कभी तो वो लेने वाली बिकॉज आई लव द कलर्स, आई लव द कलर्स। यू शुड एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू बाइंग नेल पेंट्स फ्रॉम ज़ोडियो, बहुत ट्रेंडी कलर्स है, बहुत न्यू कलर्स है। एंड टेम्पलेट को इतना टाइम तक देता है क्या? इट वॉज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कम अप विद मोर वीडियोज लाइक दिस। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय, बाय। आई नो ये वीडियो थोड़ा न्यू ईयर के पहले आ जाना चाहिए था सो दैट यू ऑल वुड हैव क्लोथ एंड आप जितने भी सारे वेकेशन प्लान कर रहे हैं आप उसके पहले कर लो, बट अभी भी देरी नहीं है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज ऑलवेज एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।